तो दोस्तों यहाँ पर हम दरेवाड़ी गांव में पहुँचे हैं और गणेश बेरड़ है ना, हाँ इनका नाम है, और इन्होंने हमें कॉल किया था। देख सकते हैं बिल्डिंग का काम चल रहा है और यहाँ पर एक पानी की टंकी में दो स्नेक है, देख सकते हैं आप, एक ये है और ये यहाँ पर, ये दोनों भी स्नेक एक ही प्रजाति का है। शायद रात को ये कुछ शिकार करने के लिए बाहर आए होंगे शायद, और यहाँ पर इसमें गिर गए। ग्रास स्नेक में नर मादा हो सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सांप है, ये बहुत ही कॉमन सांप है, ये बिना जहर वाला है, लेकिन लोग बहुत डरते हैं, हरा सांप है, हरा नाग है, ऐसा सोचकर इनको मार देते, क्योंकि ये आप देख सकते हैं जिस तरह ऊपर मुंह उठाता है उस तरह लगता है कि कोबरा का मुंह जैसा दिखता है, तो लोग इसको जहरीला समझकर मार देते हैं। तो इसलिए हमने ऐसे सांप को पहचानना है आपके नजदीक, ये बहुत गांव शहर में बहुत ज्यादा तादाद में निकलते हैं, हरियाली में रहने वाला सांप है, तो ये हरियाली में रहने वाला है। कौन सा स्नेक है? हरियाली में रहने वाला, इसलिए इसको ग्रास स्नेक नाम से जाना जाता है, और इसका नाम जो है ग्रीन कीलबैक स्नेक, इंग्लिश में ग्रीन कीलबैक स्नेक, और इसे ग्रास स्नेक भी कहा जाता है क्योंकि हरियाली में रहता है, और मराठी में गौतिया सांप, और हिंदी में हरा सांप, मराठी में गौतिया सांप, और इंग्लिश में ग्रीन कीलबैक स्नेक, ठीक है। और ये बिना जहर वाला है, क्योंकि आप इसे ध्यान से ऊपर से हरा दिखता है, ठीक है। और दोस्तों आपके घर के आसपास ऐसा सांप दिखाई देता है तो पकड़ने की कोशिश ना करें, बिना जहर वाला सांप भी हो तो काटता है, खुद के बचाव के लिए वो काटता है, इसलिए बिना जहर वाला सांप भी हो आपने पकड़ना नहीं है। और दोस्तों सीधा सर्पमित्र यानी जो स्नेक कैचर है, स्नेक रेस्क्यूअर है, उनको कॉल करना है, या फिर आपके पास नंबर नहीं मिलता आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके जिला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन इसको मारना नहीं है क्योंकि एक पर्यावरण का हिस्सा है। दोस्तों ये फिर एक बार नाम बता रहा हूँ, ग्रीन कीलबैक स्नेक, हिंदी में हरा सांप, मराठी में गौतिया सांप। तो चलिए अभी इसको हम बैग में डालते हैं, ऐसी जगह पर इसको रिलीज करेंगे जहाँ पर हरियाली है। तो दोस्तों अभी दो स्नेक हमने रेस्क्यू किए थे दरेवाड़ी गांव से, अहमदनगर जिला दरेवाड़ी गांव, तो पानी की टंकी में ये दो स्नेक हमें मिले थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाली में हम इनको रिलीज करने के लिए आए हैं, ये है ग्रास स्नेक यानी हरियाली में रहने वाला सांप, हरा सांप, आप देख सकते हैं हरा है, ठीक है। और दोस्तों ये जब छोटा होता है तो बहुत ही अलग दिखता है, जब ये जैसा फुल साइज मतलब ये ऐसा इतना बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, तो आप देख सकते हैं ये पूरा हरा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा नॉर्मल काला सा हल्का सा काला और सफ़ेद दिखाई देता है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जब इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये पूरा प्लेन हरा हो जाता है और नीचे से सफ़ेद दिखाई देता है, हल्का सा काला और सफ़ेद, ठीक है। बहुत ही इसको पहचान आसान है दोस्तों, इतना कुछ मुश्किल नहीं इसमें। दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे कि रिप्लाई नहीं देते आप, इन दो दिनों में हमने रिप्लाई भी नहीं दिए, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही बिजी हूँ और पूरी हमारी टीम भी बिजी है हर वक्त अलग अलग। अभी भी मेरे साथ नवा शेख नहीं, अतुल पाखरे नहीं, जैसे कि हमारे लतिके सावे हैं, ये जो स्नेक कैचर है सर्पमित्र, अलग अलग जगह पर अभी रेस्क्यू के लिए गए। तो दोस्तों ऐसा होता है हम हर वक्त बिजी होते इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन जिस टाइम पर जिस वक्त पर हम बिजी रहेंगे तो आपको रिप्लाई वीडियो के जरिए मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि हम कमेंट में ही रिप्लाई करें, दोस्तों हम अगले वीडियो में आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्रास स्नेक है, यहाँ पर इसको हम देखिए हरियाली में रिलीज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये हरियाली में
चले गए।